आज मैं समोसे की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आप ही हलवाई जैसे टेस्टी समोसे घर पर बनाइए खाइए। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। किसी बर्तन में 2 कप मैदा ले लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंथ लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमें सख्त आटा लगा कर तैयार करना है। हमें आटे को पतला नहीं करना, हम सख्त आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। आटे को बिल्कुल अच्छे से मसल मसल कर गूंथ लें। आटे को हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। कपड़े से ढक कर रख देंगे। अब हम समोसे के लिए मिक्स मसाला बनाकर तैयार करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक ऐड करेंगे। अब हम इस सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने समोसे के लिए मिक्स मसाला बनाकर तैयार कर लिया। समोसे के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने उबले हुए आलू लिए जिनको हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, काजू ली है और मटर ली है। तो आइए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लें। तेल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल देंगे। अब इसमें अदरक डाल देंगे। हल्का सा पका लेंगे। इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसके बाद इसमें मटर भी डाल देंगे। मटर को नरम होने तक पका लेंगे। इसमें काजू भी डाल देंगे। अब इसमें आलू भी डाल देंगे। आलू डालने के बाद हमने जो मिक्स मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आटे को मसल लेंगे। आटे को फिर से मसलने के बाद हम इनसे लोइयां तोड़ लेंगे। हमने 4 लोइयां तोड़ ली। इससे हम 8 समोसे बनाएंगे। एक लोई ले लेंगे, बाकी लोई को ढककर रख देंगे। अब हम एक लोई लेंगे, इसको बेल लेंगे। इसको ऐसे बीच में से काट देंगे। टुकड़ा कर ले, इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। इसके किनारों पर हम ऐसे पानी लगा लेंगे। इसका एक कोना पकड़ेंगे ऐसे।
यहाँ पे पानी लगा लेंगे और इस किनारे को उठाकर इसके ऊपर ऐसे ऐसे रख के बंद कर लेंगे। इसको हम अच्छे से बंद करेंगे, इसको हम बिल्कुल अच्छे से बंद कर। इसका ऐसे कोन बना लेंगे, इसके ऊपर हमने जो आलू का मसाला तैयार किया था इसके अंदर भरेंगे। किनारों पे ऐसे पानी लगा लेंगे, इसको ऐसे बंद करेंगे। इसको अच्छे से दबा के बंद करेंगे। हमने इसको अच्छे से भर लिया, इसी तरह हम सारे समोसे भरकर तैयार कर लेंगे। हमने ये सब समोसे भरकर तैयार कर लिए हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम लो फ्लेम पर समोसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसमें समोसे डाल देंगे। लो फ्लेम पर समोसों को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। समोसे गोल्डन हो गए हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी समोसे बनकर तैयार हैं। आप भी ऐसे समोसे घर पर बनाइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।